पल्स एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं मुमल हुसैन। शामिल करेंगे इस वक्त की हेडलाइन। साबिक वज़ीरे आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि मौसम के बाद सियासी तब्दीली होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिले नौशेरा के इलाके अकबरपुरा में कबाड़ की दुकान में मार्टर गोला फटने से धमाका हुआ, जिसके 22 पांच अफराद जान भाग और एक जख्मी हो गया। लाहौर में एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असरजात केस में 13 अक्टूबर तक शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। शहर कायद में बिजली का बोरान तीसरे हफ्ते भी जारी है और कराची को बिजली की फरामी के लिए जिम्मेदार कंपनी के इलेक्ट्रिक ने 3 पावर प्लांट गैस की कमी के बायस बंद कर दिए। इस्लामाबाद वजीर खाजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेकाम से खिते में अमन होगा। अफगानिस्तान में हुफैमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। रावलपिंडी में भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर ब्लास्टियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज का सिपाही और एक 15 साल नौजवान शहीद, जबकि 4 शहरी जख्मी हो गए। लाहौर में पंजाब के तालीमी इदारों में बच्चों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हेडलाइंस आपने जानी, नाज़रीन मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, तफ़सीलात से आपको आगाह करते चले। आपको बताएं कि साबिक वज़ीरे आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब से डरने वाले नहीं है, मेरी बारी पहले ही आ चुकी है, गिरफ्तारियां हमारे लिए माने नहीं रखती। उनका कहना था कि असेंबली छोड़ने का मामला आया तो फैसला तमाम जमायतों का होगा, अगर लीडरशिप के बगैर कोई तहरीक होगी तो वो खतरनाक होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा कि हमारा आखिरी ऑप्शन इस्तीफा देना होगा, अगर हमारी कुर्बानी से मुल्क बेहतर हो सकता है तो हमें कोई मसला नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि देखना है हुकूमत का मयार क्या है, अगर हुकूमत से मंशूर पर अमल दरामद होता है तो अवाम मुतमईन होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत